कहते हैं कि अगर यतीम बच्चा जिद करे तो क्या उसे बहलाने के लिए झूठ मूठ हाँ कह सकती है? जैसे बच्चा बाहर जाने की जिद करे तो माँ अच्छा ले जाना बाहर, तो हाँ हाँ मैं ले जाऊँगी, इस तरह करके क्या ये सही है? देखें, सही नहीं है, झूठ ना करें। आप ऐसे कोई मतलब मामला करें, गोल मोल से बात कर लें, बड़े होते हैं, बच्चों को बहलाना तो कोई मुश्किल नहीं होता। और यतीम ही यहाँ ज़रूरी नहीं है, अगर शौहर ज़िंदा भी है तब भी बच्चों के साथ झूठ बोलना, इस तरह बहकाना गलत होता है। अभी हमारी बहनें जो होती हैं, अल्लाह इन पर रहमत नाजिल फरमाए, खामोश हो जा वरना बाहर बाउला खड़ा पकड़ा दूंगी, हालांकि बाहर नहीं है, ये झूठ है और नामे अमाल में गुनाह कबीरा लिखा जाएगा। ऐसी बात अवत बच्चे को करीब करने के लिए, ये लो ये लो ये लो ये लो, वो बच्चा समझता है चीज़ है, वो आया करीब, चिमटा लिया, प्यार कर दिया उसको, बस अब वो कुछ भी नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून को देखा, वो बच्चे को बुला रही थी कि इधर आ, मैं कुछ दूंगी। सरकार ने फरमाया क्या देंगी आप? अर्ज़ की खजूर। फरमाया अगर तुम ना देती तुम्हारे नामे अमाल में एक झूठ लिखा जाता। इसलिए हमारी बहनों से गुजारिश है कि सही माँ बनना भी सीखें और ये तमाम उमूर सीखिए कि बच्चों के साथ किस तरह के कैसे मामलात करने चाहिए, वरना ये बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, ये माइंड में रहती हैं चीज़ें, और हम झूठ सिखा रहे होते हैं अपने बच्चों को और वो फिर अपने बच्चों के साथ या दीगर लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। जैसे ये डराना कि ये नहीं करो बाउला पकड़ के ले जाएगा, हालांकि नहीं पकड़ के लेके जाता, अब वो बच्चा दूसरों को कह रहा होता है ऐसा नहीं करो बाउला पकड़ के ले जाता है, अम्मी ने बताया। ये झूठ दर झूठ दर झूठ आप उसको मुंतकिल करते हैं और शुरू से ही बच्चों के नामे अमाल में उनके तो नहीं अभी गुनाह कबीरा लिखा जाएगा, लेकिन चूंकि माँ बाप सबब बनते हैं तो इसका वबाल फिर माँ बाप पर होगा। और बालिग होने के बाद ये आदत कायम रही, वो अपने बच्चों के साथ करेंगे तो फिर उनके नामे अमाल में भी गुनाह होगा।